नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। बरवाडी से सोनू कुमार की रिपोर्ट। सबकी योजना सबका विकास के तहत ग्राम हेहे गड़ा में ग्राम सभा का हुआ समीक्षा बैठक। बरवाडी प्रखंड अंतर्गत जुंगरू पंचायत के ग्राम हेहे गड़ा में सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम के तहत विशेष ग्राम सभा का हुआ आयोजन। विशेष ग्राम सभा का शुभारम्भ रोजगार सेवक मनीष कुमार एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ग्राम सभा की गयी, जिसमें रोजगार सेवक मनीष कुमार ने ग्रामीणों को बताया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर ग्राम स्तर पर ग्राम सभा कर योजनाओं का चयन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि गांव में ग्राम सभा में आयोजन प्राथमिक के रूप में दें, ताकि गांव का विकास हो सके। उन्होंने मनरेगा योजना 15 वित्त योजनाओं के बारे में जानकारी विस्तार से दी। रोजगार से ग्रामीणों के बीच मनरेगा योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से ही गांव का विकास होगा। उन्होंने ग्रामीणों को योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी विस्तार से ग्रामीणों को दी। जैसलमेर से संचालित दीदी बाड़ी योजनाओं के बारे में महिलाओं को बताया गया। सादी ग्राम सभा में उपस्थित महिलाओं को दीदी बाड़ी योजना को लेकर प्रेरित किया। मौके पर सोनू कुमार, पप्पू यादव, संजय सिंह, धर्मेंद्र ठाकुर एवं सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे। के लिए क्या क्या करना है, बाल हितैषी पंचायत, बाल सभा, चौथा है जल पर्याप्त पंचायत कि क्या आपके गांव में सिंचाई का पर्याप्त साधन है कि जिससे आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, दो फसल उगा सकते हैं, इस तरह का है। उसके बाद स्वच्छ एवं हरित पंचायत, जो अभी दीदी बताए। उसके बाद बुनियादी ढांचा में आत्मनिर्भर पंचायत। उसके बाद सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत, और नौवा है महिला हितैषी पंचायत, महिला सभा। क्या ये नौ बिंदु पे हमारा है, तो इसी पे चर्चा करना है हम लोग को। इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग को योजना भी लेना है, और ये सब के लिए जैसे जैसलमेर के कोई आए हैं तो वो भी ध्यान में रखिएगा कि कौन सा पीने का और सबका साधन का जो कुआं रिपेयरिंग है उस तरह का नरेगा के देखिएगा। बंजर जमीन में टीसीबी का निर्माण के लिए, डोभा का निर्माण के लिए, कुआं का जो आपसे बन सकता है मेड़बंदी, ये सब का आपको लेना है पर्याप्त राशि में। मुख्यमंत्री आपको पशुधन योजना के तहत पशु शेड, अपने आजीविका को जो फर्स्ट में था गरीबी उन्मुख पंचायत और आजीविका के लिए, तो आप बकरा पालन कर सकते हैं, सुअर कर सकते हैं, चूजा शेड कर सकते हैं, बत्तख पालन कर सकते हैं, सब उसमें है। तो उस टोटल बिंदु पे लीजिएगा, जो बड़ा स्कीम होगा माननीय उपायुक्त महोदय के तरफ से DMFT डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स करके ट्रस्ट है, जिसके तहत बड़ी बड़ी योजना होता है। जो आपको रोड मुखिया जी 15वें बीच से नहीं बनवा सकते हैं, हज़ार हज़ार फीट का जो अगर PCC रोड है तो वो सब उसमें डालिएगा। आंगनबाड़ी रिपेयरिंग हो गया, स्कूल का रिपेयरिंग, रंग रोगन वाला जो हो गया, सब जो है आप उसके तहत कराइएगा। और आपको एक चीज़ हम नरेगा के तहत बता दे रहे हैं कि सरकार इस बार जनवरी में बजट लाई थी। जागरूक होना पड़ेगा, सरकार से जागरूक होने से नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे सरकार की सोच है कि हमारी जनता जागरूक हो। तो आप लोग से हमें पूछना चाहते थे जिम्मेवारी, सबसे पहला बात है जिम्मेवारी। अगर हमारी सरकार आप लोग को जैसे मान लीजिए शौचालय देती है, तो शौचालय की जिम्मेवारी किसका रहेगा? आप लोग कोई बताइए, शौचालय का जिम्मेवारी किसका रहेगा? हमारा रहेगा, आपका रहेगा, ठीक। इस वजह से अब सरकार बनाती है शौचालय, समाज की सरकार आ गई, ठीक है, बन गया आपका शौचालय, तो उसमें देख रेख पानी पटाना सब तो आपका रहेगा जी। शौचालय के बिना ना रहे, हमारे भारत सरकार की भी सोच है कि शौचालय के बिना ना रहे, हमारी घर की महिला दूसरा जगह ना जाए,
और घर की महिला दूसरा जगह पानी पीने न जाए, लेने न जाए, अपना घर में ही रहे, तो उसका देख रेख आप लोग का जिम्मेवारी है। आप लोग तो चाहेंगे और अच्छा से देख रेख करेंगे तो हम लोग का विकास बहुत अच्छा तरीका से होगा। इसलिए मैं साफ सफाई गंदगी को हटाना है, तभी हमारी सरकार जगह जगह पर सॉकपिट बना रही है और कचरा कूड़ा हटाने के लिए सॉकपिट हो गया, क्या बोलते हैं, कंपोस्ट पिट हो गया और बार्मी कंपोस्ट हो गया, नाडे हो गया, इस तरह से बहुत चीज़ बनाया जा रहा है हमारी सरकार की ओर से, जो कि हम लोग का ग्राम सभा में ही लेना है।